हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे गूगल शीट पर एक बहुत ही शानदार फंक्शन के बारे में। और वो फंक्शन क्या होगा अभी हम देखेंगे। सबसे पहले यहां पर देख सकते हैं एक हेडिंग पड़ी हुई है डेट, ठीक है, और दूसरी हेडिंग पड़ी हुई है परचेज। इस डेट पर कुछ सामान परचेज हुआ है जिसकी कॉस्ट हमें यहाँ देनी है। इसकी कॉस्ट कैसे देंगे हम, जैसे मान लीजिए इस डेट पर जो सामान परचेज हुआ वो इतने रुपए का परचेज हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं रुपीज का सिंबल लगा हुआ आ रहा है। ये रुपीज का सिंबल हम कैसे लगा सकते हैं, ये बहुत ही इजी है। जैसे आप यहाँ पर रहेंगे और यहाँ पर जितने भी जगह पर आपको रुपीज का सिंबल चाहिए उतनी सेलेक्ट कर लें और यहाँ से चले जाइए फॉर्मेट पर। और फॉर्मेट पर जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आ जाना है नंबर पर। ये जो नंबर दिखाई पड़ रहा है ना, यहाँ पर आ जाइए और यहाँ पर आपको करेंसी मिल जाएगी इंडियन रुपीज। इसको आप सेलेक्ट कर ले। जैसे ही इसको सेलेक्ट करेंगे तो पूरा का पूरा फॉर्मेट बदल जाएगा आपका। अब जैसे मान लीजिए कोई चीज 2000 रुपए की बिकी है इस डेट पर, तो यहाँ पे देखिए रुपीज का सिंबल आ रहा है। फिर मान लीजिए अगर 7000 रुपए की कोई चीज बिकी है तो यहाँ पे रुपीज का ही सिंबल आएगा। तो इस तरह से आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ, यहाँ पे 2000 रुपए एंटर कर लिया। अब देखिए ये हमारे पास कुल मिला के इस तरह से आ गया है। अब हमको यहाँ करना क्या है, हम ये चाहते हैं कि जैसे हम पाइवोट टेबल या पाइवोट चार्ट बनाते हैं तो उसके हिसाब किताब में ये आ जाए, ऐसा ही चार्ट बनकर आ जाए, तो हम वो भी बना सकते हैं। लेकिन एक बहुत ही कमाल का फॉर्मूला मैं बताने वाला हूँ और वो फॉर्मूला यकीन कीजिए कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए आइए देख लेते हैं वो फॉर्मूला कौन सा है। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि यहाँ पर जो हमने यहाँ पे डिजिट्स लिखे हैं, जो भी हमने कॉस्ट लिखा है, इसमें रुपीस का सिंबल नहीं आ रहा है। कारण क्या है कि हमने यहीं तक सिलेक्शन में लिया था, यहाँ तक जो सिलेक्शन में लिया था वो रुपीस का सिंबल दे रहा है। अगर इसको भी सिलेक्शन में लेकर के फॉर्मेट पर जा करके और फॉर्मेट इसका हम कर दें इंडियन रुपीज, तो यहाँ भी रुपीज का सिंबल आ जाएगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ भी रुपीज का सिंबल आ चुका है। अब हमको यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करना है और अब हमें यहां पर जो फॉर्मूला लगाना है, तो इज इक्वल टू का निशान लगाइए। और देखिए ये फॉर्मूला आपको एक्सेल में नहीं मिलेगा, तो स्पार्क लाइन फॉर्मूला है ये। क्या है, स्पार्क लाइन। तो यहां पे इज इक्वल टू स्पार्क लाइन दे दिया हमने और यहां से यहां तक आपको पूरा सेलेक्ट कर जाना है। ये हमने कर लिया सेलेक्ट, इसको सिलेक्शन में लेने के बाद इस ब्रैकेट को कर दीजिए क्लोज और यहां पर कीजिए एंटर। तो ये देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा फिर बढ़ा लेता हूं यहां से और आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये कुछ इस तरह से आया हुआ है, यहां से ये देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह से आया हुआ है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज अच्छी लगेगी। और अगर कोई और भी मैं आपको दिखा देता हूं, और अगर कोई ऐसे और भी आंकड़े आपके पास हो तो उनके लिए भी आप इस तरह के चार्ट डिजाइन कर सकते हो। यहाँ पर एक और हमारे पास ऐसा जो है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका अगर हमें चार्ट प्रिपेयर करना हो तो यहाँ पर वो चार्ट मैं आपको बना करके दिखा देता हूँ। इज इक्वल टू का सिक्स साइन लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे स्पार्क लाइन, तो ये स्पार्क लाइन लगा दिया हमने और यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ से आपको सिलेक्शन में ले लेना है इन सबको। तो ये सिलेक्शन में लिया हमने और ब्रैकेट को कर दीजिए क्लोज और फिर इंटर प्रेस कीजिए। तो ये देख सकते हैं कितना जो जितने इसके लिए है, जैसे अमाउंट जितना ज्यादा होगा ये लाइन उतनी ऊंची होती चली जाएगी। तो उम्मीद करता हूं ये स्पार्क लाइन वाली वीडियो और रुपीज का सिंबल इंसर्ट करने वाली वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।